दोस्तों आज का डेट है 7 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है मतलब 4 बज के कोई 55 मिनट ऐसा ही कुछ, मतलब 5 बजने वाला है कुछ देर बाद। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये वीडियो लेट करके आ रहा है। दोस्तों जी नहीं, ये वीडियो मैं मेरे मर्जी से मैं लेट करके डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज देखना था यूट्यूब के बारे में। तो वैसा तो अभी मैं नहीं बोल सकता कि कौन सा चीज देखना था, वो मैं बाद में बोल दूंगा आप लोग को कि क्या कौन सा चीज मैं देख रहा था। तो वैसा कुछ बात नहीं, मैं डेली वीडियो अपलोड कर लूंगा, वैसा तो कुछ 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 बड़ा बात नहीं। तो इसके लिए कोई भी ये करने की जरूरत नहीं, मैं आज भी ये वीडियो डाल दूंगा, ये शायद रात हो जाएगा डालते डालते। तो कल भी वीडियो डालने वाला हूँ और आज वीडियो डालने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे थे कि मैं पिछले वीडियो में बात किया था फोटो एडिटिंग के बारे में, तो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। तो वो फोटो एडिटिंग नहीं होगा, वो वीडियो एडिटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वैसे तो मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करूँ तो दोस्तों वैसे तो अभी जो मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करता हूँ दोस्तों वो है काइनमास्टर, आपको पता है, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वो आपको पेड अनपेड दो वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे तो मेरा मैं जो यूज करता हूँ दोस्तों वो पेड वर्जन है और आप शायद आप लोग यूज करते हैं अनपेड, क्योंकि मैं ही बोला था कि अनपेड यूज कीजिए, क्योंकि पहले आप पेड वर्जन में मत जाइए, पहले अनपेड यूज कीजिए, वो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग खरीद सकते हैं। वैसा तो ज्यादा नहीं है, शायद मेरे हिसाब से 2000 के आसपास होगा, मतलब वन टाइम पेमेंट है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो काइनमास्टर है उसका एक पार्ट, मतलब एडिटिंग के ही एक पार्ट, क्योंकि दोस्तों आप लोग शायद सुना है कि वॉयस ओवर क्या होता है। दोस्तों वॉयस ओवर ऐसा चीज होता है कि एक क्लिप होता है, मतलब आप कोई भी एक वीडियो शूट किए जैसा कि कोई भी एक बी रोल, तो दोस्तों वो बी रोल पे आप लोग को जैसा आप लोग सोच सकते हैं कि उसके ऊपर एक अलग सा आप वॉयस देना चाहते हैं आपका, तो उसको दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं वॉयस ओवर। क्योंकि एक क्लिप जब शूट होगा दोस्तों उसके अंदर जो साउंड रहेगा दोस्तों उसको ऑफ करना होगा ये वॉयस ओवर देने के लिए, तो इसीलिए इसको वॉयस ओवर बोलते हैं। तो वो आप वीडियो एडिटिंग के समय वो आप दे सकते हैं। तो वॉयस ओवर आप बहुत सारे मतलब जो जो एडिटिंग ऐप्स है उसमें भी दे सकते हैं। तो उसी तरह से आप लोग ये जो एंड्रॉयड का है काइनमास्टर उसमें भी आप लोग ये वॉयस ओवर दे सकते हैं, वो भी बहुत ईजी ट्रिक्स है, मतलब देने के लिए बहुत ईजी ट्रिक्स है, सिर्फ आपको वीडियो देखना होगा तो किसी मतलब किस तरह से आप लोग वॉयस ओवर दे सकते हैं। तो उसके लिए कोई ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये वीडियो को फॉलो कर लीजिए, मैं बहुत इजी तरीके से ये चीज आपको बोलने वाला हूँ कि कैसे आप काइनमास्टर पे आपका कोई भी क्लिप के ऊपर वॉयस ओवर दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों पसंद आएगा तो आप लोग को तो पता ही है क्या क्या करना होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इंट्रो के बाद। मेरा मैं फ़ोन पे स्क्रीन के ऊपर आ गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि काइनमास्टर ओपन करेंगे। तो वैसे तो मेरा पेड वर्सन है, तो इस पेड वर्सन को मतलब इस पेड वर्सन को लेके हम एक वीडियो तैयार करेंगे, पर अभी नहीं, तो मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ दोस्तों, इस पेड वर्सन को लेके हम भी एक वीडियो तैयार करने वाले हैं। तो वैसे तो मैं काइनमास्टर अभी ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो काइनमास्टर का इंटरफेस तो आप लोग को पता ही है कि क्या क्या होता है, क्योंकि इस बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया था। तो मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये काइनमास्टर भी। हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है दोस्तों 6:9 रेशियो, 9:6 रेशियो और 1:1 रेशियो। जैसे दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बोला था कि 6:9 थोड़ा यूट्यूब के लिए होता है, यूट्यूब जो वीडियो होता है उसके लिए, 9:6 आपका इंस्टाग्राम को कोई भी स्टोरी को लेकर, और 1:1 मेरे को मैसेज बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे को पता नहीं ये 1:1 किस मतलब कौन सा वीडियो में लगता है, कौन सा वीडियो तैयार करने में लगता है। तो दोस्तों वैसे तो हम लोग ये 6:9 रेशियो में हम लोग क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग को यूट्यूब के लिए वीडियो तैयार करना है। तो वैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है आपका जो लेफ्ट सॉरी राइट साइड है दोस्तों, राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है लेयर, ऊपर लिखा हुआ है मीडिया, इधर लिखा हुआ है ऑडियो और नीचे लिखा हुआ है वॉइस। तो दोस्तों क्योंकि मैं इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस ओवर के बारे में, तो वॉइस ओवर क्या है मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को इसके बारे में पूरा जानकारी देने के लिए मतलब लेने के लिए आप लोग थोड़ा कॉमेंट कीजिए, मैं कमेंट करके बोलिए कि इसके लिए आपको वीडियो देखना है सुनना है, तो इसीलिए मैं तैयार करूँगा। तो वैसे तो मैं इसको वॉइस ओवर ही बोलूँगा। तो वॉइस ओवर हम लोग ऐड करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आप लोग को मैं बोला था कि आप लोग को कि कोई भी एक क्लिप को देखना होगा बी रोल टाइप का, तो बी रोल में आप
अलग से वॉइस लोड कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे पास अभी कोई बी रोल नहीं है, तो वैसे हम लोग एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहे थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैं मीडिया पे जाके एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में कोई भी कलर एक सिलेक्ट कर, जैसे दोस्तों हम लोग ये येलो कलर सिलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों येलो कलर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को इसको थोड़ा आगे खींचेंगे, तो आगे खींचने के बाद थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर से ये जो वॉयस है, इसको वॉयस पे आप जब क्लिक करेंगे, ये वॉयस क्या हुआ, रेडी टू रिकॉर्ड लिखा हुआ है। तो रेडी टू रिकॉर्ड मतलब ये जो आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी आप जब स्टार्ट क्लिक कर देंगे, ये मैं स्टार्ट क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, अभी जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग शायद एडिटिंग के समय आप लोग को सुनाई देगा आप लोग को कि कैसे आप कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वैसे दोस्तों इसको आप इसी तरह से कोई भी आपका जो वॉयस है दोस्तों वो रिकॉर्ड कर सकते। तो जैसे वैसे तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, तो इसी तरह से आप कोई भी वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सकते। तो मैं पिछले मतलब एक रिकॉर्ड किया हूँ, तो उसको मैं डाल देता हूँ। तो इसको वैसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद मैं ऑडियो पे जाके मेरा जो वॉइस था दोस्तों ये ऊपर ही है मेरा वॉइस, तो उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो इधर मैं ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मतलब पूरा ख़त्म हो रहा है इधर। हाँ, तो इसको मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको, बैकग्राउंड मतलब इसका जो वीडियो क्लिप, आप लोग इसको वीडियो क्लिप ही पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं इसको वीडियो क्लिप ही पकड़ के इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वीडियो क्लिप नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों ये जो वॉइस ओवर है दोस्तों, वैसे तो मैं अभी पहले शूट मतलब पहले रिकॉर्ड की कर चुका हूँ, तो इसको मैं सिर्फ डाल दूँगा। तो आप लोग उधर से वॉइस ओवर कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला। तो इसको आप इधर जाके जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा इसको भी एडिट करने के लिए, ये जो वॉइस है इसको भी एडिट कर लेंगे। जैसे इसका जो साउंड है आप लोग बड़ा या घटा सकते इधर से, तो मैं इसको बड़ा या घटा सकता हूं, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद दोस्तों ये जो है इसको वॉइस चेंजर भी बोलते हैं दोस्तों। वॉइस चेंजर बहुत सारा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं वॉइस चेंजर का ऑप्शन, तो आपका हिसाब से कोई भी वॉइस चेंजर को लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है इसको आप साउंड मतलब कौन सा टाइम पे आप लोग बढ़ा या घटा सकते हो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले जो था उस पे आप मैं जब बोला था कि वॉइस बढ़ा सकते हैं, तो वो पूरा फुल वीडियो मतलब फुल जो इधर से इधर पूरा क्लिप है इतना तक, तो इसका साउंड बढ़ जाएगा। तो इसके ये जो है ये जो वॉइस एनवलप बोल के जो ऑप्शन है, इस पे आप लोग जहाँ पे चाहते उधर का वॉइस कमा सकते हैं मतलब घटा सकते हैं, और जहाँ पे जाते हैं उसका वॉइस बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जब ये ओपन करेंगे तो दोस्तों ऐसा दिखाई होगा। इधर आप लोग देख सकते हैं कि एक मतलब राउंड टाइप का है, तो वो और पीछे एक राउंड टाइप का है, तो ये वाला राउंड मैं इसको ऐड कर देना और एक राउंड। तो इधर आप देख सकते हैं एक राउंड ऐड हो गया। तो इधर से आप लोग कोई भी साउंड को बढ़ा सकते हैं। मैं इसको ऊपर मतलब इधर से ऊपर करना होगा, आप लोग शायद देख सकते हैं। तो हाँ, ये जो आप देख सकते हैं ये इधर मतलब आने के बाद आप लोग इसका साउंड बढ़ा सकते। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर से साउंड हाई है, इधर जाके ख़त्म हो रहा है मतलब नीचे हो रहा है, साउंड कम हो रहा है। तो इधर इसी तरह से आप कोई भी जगह पे आपका हिसाब से कोई भी साउंड को बढ़ा या घटा सकते। तो इसको हम छोड़ देते। छोड़ने के बाद दोस्तों इधर आप देखते हैं कि मतलब ये क्या है। तो ये है दोस्तों ये सॉरी, इसको बारे में मेरे को अभी तक तो मालूम नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको आप कोई भी हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा मतलब इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका इधर और एक चीज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं इसको मतलब आप लोग वॉइस को रिपीट कर सकते हैं। और इधर जो है दोस्तों इसका बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग को इधर बहुत सारा ऑप्शन, और ये दोस्तों ट्रिम मतलब जो जो चीज़ सिंपल है, जो जो चीज़ बहुत लगने वाला है उसको बारे में हम लोग बता सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप लोग ट्रिम मतलब आपका जो वॉइस है इधर से कट कर सकते हैं। आप जैसा कि वीडियो क्लिप में मैं पहले बोल दिया था कि कैसे आप वीडियो को कट सकते हैं, तो इसी तरह से आप कोई भी वॉइस को भी काट सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसका पूरा मतलब ये जो वॉइस ओवर का पूरा वीडियो। और इधर वैसे तो और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इधर आप लेवल मतलब सॉन्ग का जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, उधर से आप लोग कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी वीडियो मतलब कोई भी वीडियो पे कोई भी क्लिप पे आपका वॉइस अलग से ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है, ट्विटर का भी लिंक नीचे दिया है। आप लोग कुछ बताना चाहते तो उधर जाके आप
मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर ऐसा ही कुछ टेक रिलेटेड को लेके।